दोस्तों अगर आप यूज़ करते हैं सैमसंग गलेक्सी F14 का फ़ोन तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में किसी भी ऐप को डुअल कैसे करेंगे, यानी किसी भी ऐप को आप क्लोन कर सकते हो। आप चाहे जो एप्लीकेशन हो उसको डुअल कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको मिलता है सर्च बार, आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है डुअल, आप या क्लोन लिख के भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आप डुअल लिखेंगे तो यहाँ पे डुअल मैसेंजर ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगेन ये ऑप्शन शो होगा स्क्रीन पे, इस पर आपको क्लिक करना है। डुअल मैसेंजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने एप्लीकेशन शो होंगे उतने एप्लीकेशन को आप डबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं हम उनको डबल करना चाहते हैं, उनको क्लोन करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्ले स्टोर ओपन करेंगे और पैरेलल ऐप डाउनलोड कर लेंगे या डुअल ऐप करके कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और उसके माध्यम से किसी भी ऐप को आप डुअल कर सकते हैं। लेकिन सेटिंग से जितने एप्लीकेशन यहाँ पर शो होंगे सिर्फ उतने ही एप्लीकेशन आप डबल कर सकते हो।